hello everyone this is sonu yadav and you are welcome to my youtube channel aim high voice channel so we have already discussed about the all cell organelles now it's time to discuss about the mcqs of the organelles right so without any further delay let's get started now here is our first question that is विच ऑफ़ द सेल ऑर्गेनली डज नॉट कंटेन डी एन ए मीन्स ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनली है जो अपने अपना खुद का डी एन ए कंटेन नहीं करता है सो वी हैव सम ऑप्शंस न्यूक्लियस लाइजोजोम्स क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया सो इफ़ यू टॉक अबाउट द न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस किस लिए जाना जाता है बेसिकली न्यूक्लियस क्या करता है इट कंटेन्स डी एन ए राइट विच ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर राइट right? ये क्या करता है अपने अंदर डी एन ए कंटेंट करके रखता है तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा नाउ लेट्स टॉक अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया सो माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कि आपको जब मैंने ये माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक कवर किया था तब तो बताया था जो माइटोकॉन्डिया है एक ऐसा सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली है जो कि अपना खुद का डी एन ए कंटेंट करता है राइट right? सिमिलरली जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है ये भी एक हमारा सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली है जो कि अपना खुद का डीएनए कंटेन करता है सो so, हमारे पास ऑप्शन जो, जो बच्चा है वो है लाइजोसोम सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लाइजोसोम सो बेसिकली द लाइजोसोम कंटेन्स ओनली इंजाइम्स एंड प्रोटीन्स डेट हेल्प्स टू सर्व इट्स फंक्शन राइट जो हमारा लाइजोसोम होता है वो अपने अंदर um, कुछ इंजाइम्स और कुछ प्रोटीन्स को कंटेन करके रखता है जो कि उसके फंक्शन में उसको हेल्प करता है सो अवर आंसर वुड बी लाइजोसोम नेक्स्ट वन इज डैश इज अ जेली लाइक सबस्टेंस फाउंड फ्लोटिंग इनसाइड द द प्लाटा मींस इस वी हैव सम समन्स कि हमारे पास इन ऑप्शन में से वो कौन सा है जो कि जेली लाइक सबस्टेंस है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लोट करता है सो सेल सेप ये क्या होता है सेल सेप इज़ अ लिक्विड राइट किसके अंदर पाया जाता है डेट इज़ फाउंड इन द लार्ज सेंट्रल वेक्ल ऑफ द प्लांट सेल जो कि कहाँ पाया जाता है हमारा जो सेंट्रल वैक्ल होता है उसके अंदर ये पाया जाता है नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्रायोप्लाज्म जो होता है इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है हम न्यूक्लियस uh, के अंदर जो फ्लूड पाया जाता है उसे हम कैरियो प्लाज्म भी कह सकते हैं और न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह सकते हैं एंड नेक्स्ट इज अ माइट्रोकॉन्डियर जो कि अपने आप में ही एक सेल ऑर्गेनिली है राइट right? सो so, आपका आंसर क्या होगा इसमें से बी योर आंसर जो कि हमारा कहाँ पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है ये जो पूरा पोर्शन होता है हमारा ये किससे फिल्ड होता है हमारा सेल साइटोप्लाज्म से राइट नाउ द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल हमारे बॉडी में जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी एडिनोसिन ट्राई फॉस्वेट सो ये प्रोडक्शन का काम कौन करता है न्यूक्लियस नो न्यूक्लियस क्या करता है इट कंटेन्स द डी एन ए ठीक है ये अपने अंदर डीएनए कंटेन करता है ये कोई हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं नेक्स्ट लाइसोसोम नो no. लाइसोसोम क्या कंटेन करता है इट कंटेन्स ओनली एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स जो कि क्या करता है हम हमारे जो आ, जो हमारे डैमेज सेल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हो राइट नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है इट कंटेंस क्लोरोफिल जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है सो so हमारे पास क्या बचा माइटोकॉन्ड्रियाम माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है ये हमारा एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी राइट सो आवर आंसर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया ये हमें क्या करता है ए टी पी प्रोवाइड करता है सो so ये हमको क्या दे रहा है पावर दे रहा है सो दैट्स वाई वी कॉल इट पावर हाउस ऑफ द सेल नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग सेल ऑर्गनली इज कॉल्ड सुसाइडल बैग वो कौन सा ऑर्गनली है जो कि क्या करता है सुसाइड खुद सुसाइड कर लेता है सो लेट स्टार्ट फ्रॉम दाइटोकॉन्डिया माइटोकॉन्डिया का फंक्शन क्या है होता है इट प्रोड्यूसेज ए टी पी ठीक है सेल मेम्ब्रेन क्या होता है इट्स आउटर बाउंड्री ऑफ़ बाउंड्री ऑफ दिस सेल ये हमारे सेल का आउटर बाउंड्री होता है गोल्जी बॉडीज का फंक्शन क्या होता है ये हमारे प्रोटीन्स को क्या करता है ये हमारे प्रोटीन को पै, उसकी पैकेजिंग करता है प्लस उसका मॉडिफिकेशन भी करता है क्लियर एंड देन उसको फर्दर आगे ट्रांसपोर्ट कर देता है सो so, हमारे पास बचा क्या लाइसोसोम, लाइसोसोम का क्या काम होता है इट कंटेन्स एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स जो कि क्या करता है डैमेज सेल्स जो होते हैं उसको डाइजेस्ट कर लेता है सिमिलरली लाइसोसोम क्या करता है खुद को भी डाइजेस्ट कर लेता है ये क्या करता है ये हमारा सेल है ये हमारा लाइजोजोम है सो so, ये जब अपना ये बर्स्ट आउट होता है तो इसका सारा इंजाइम का है, हमारे सेल में पूरा फैल जाता है जिससे क्या करता है खुद को ही डाइजेस्ट कर लेता है खुद के सेल को ही डाइजेस्ट कर लेता है डेट्स वाई कॉल इट सुसाइडल बैग नेक्स्ट इज विच आर इन द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सो यहाँ पे वापस से क्या आगे हमारे पास लाइसोसोम के बारे में हम बात कर रहे हैं कैसा कौन सा ऑर्गेनली है जो कि क्या काम करता है ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने का काम करता है सो so, हमारा आंसर होगा नाउ नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज यस ऐसा कौन सा ऑर्गेनली है जो कि हमारा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है सो so, हमारे पास ऑप्शन है वैक्योल गोलजिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द डी इज ऑल ऑफ द अबव सो so, जैसा कि हमें पता है जो हमारा सेल होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया प्लस हमारा क्या हो जाता है क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस ये तीनों कैसे ऑर्गेलीज होते हैं ये हमारे डबल डबल मेम्ब्रेन ऑर्गनलीज़ होते हैं राइट इनके क्या होते हैं डबल मेम्ब्रेन होते हैं सो so, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वैक्यूल गोलजियापटिस एंड एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम ये तीनों के तीनों ही हमारे क्या होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनलीज होते हैं सो आंसर वुड बी डी राइट हमारा डी हमारा आंसर हो जाएगा नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग इज द सेल्स आउटर मोस्ट बाउंड्री हमारे सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री कौन होता है ये हमारा होता है साइटोप्लाज्मा हमारे पास क्या ऑप्शन है साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दी दन ऑफ द अबव राइट right? सो so हमने क्या पढ़ा हमारे पास क्वेश्चन क्या है डेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेल्स आउटर मोस्ट बाउंड्री सो अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं सो सेल को बाहर से जो कवर करने का काम करता है उस वो क्या कहलाता है हमारा सेल प्लाज्मा मैमब्रेन या फिर प्लाज्मा मैम्ब्रेन या फिर सेल मैमब्रेन राइट या फिर हम उसको सेल मैम्ब्रेन भी कहते हैं नेक्स्ट न्यूक्लियर मैम्ब्रेन ये कौन सा मैम्ब्रेन होता है जो न्यूक्लियस को चारों तरफ से कवर करने का काम करता है सो so ये क्या हो जाएगा हमारा न्यूक्लियर मैम्ब्रेन एंड द साइटोप्लाज्मा डैट इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर मैम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के बीच में जितना भी ये जो भी ये लिक्विड सा जेली लाइक सबस्टेंस प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं साइटो नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोस्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा किसका बना होता है सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फॉस्फोलिपिड तीनों से मिलकर बना होता है सो आंसर वुड बी सी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फॉसफोर लिपिट्स राइट नेक्स्ट राइबोजो आर साइट्स फॉर सो जो राइबोजोम्स होते हैं वहां पे किसका सिंथेसिस होता है किस चीज का सिंथेसिस होता है वहां पे so, तो आंसर ऑप्शन है हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस फोटो सिंथेसिस एंड फैट सिंथेसिस राइट एंड द लास्ट वन इज रेस्परेशन सो यहाँ पर क्या होता है हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है राइट right? राइबोजोम में हमारा क्या होता है प्रोटीन का सिंथैसिस होता है सो रॉइबोजोम आर मेम्ब्रेनियस ग्रेनुलर स्ट्रक्चर ये क्या होता है हमारे एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है डैट इज प्रजेंट इन द साइटोप्लाज्म ठीक है जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में प्रजेंट होता है इट वॉज़ फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो हमारा राइबोसोम था इसको फर्स्ट टाइम हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा था जो कि कैसा दिख रहा था एक डेंस पार्टिकल की तरह नजर आ रहा था और इसे देखा किसने था इट वॉज ऑब्जर्व बाई जॉर्ज पैलेड जॉर्ज पैलेड ने इसे देखा था इन 1953 में कब इन 1953 में इसे हम प्रोटीन सिं... इस हम राइबोसोम को प्रोटीन सिंथेसिस के साथ प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं इट इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं वाई बिकॉज़ इट सिंथेसाइज दी प्रोटीन फैक्ट्री में क्या होता है कुछ न कुछ चीज़ें बनती ना तो यहाँ पे क्या बन रही है यहाँ पे किस चीज़ का मैन्युफैक्चर हो रहा है यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही right? Now, है राइट नाउ जो हमारा प्रोटीन ये राइबोसोम्स होते हैं हमारे टू टाइप्स के होते हैं एक थर्ट एस और एक हमारा सेवेंटी एस जो एटी एस होता है ये हमारे यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है जो कि यू में पाया जाता है इसके बाद वाला जो वीडियो बनेगा वो हमारा टोटली किस पर बेस्ड होगा प्रो एंड यू पर राइट right? सो so, उस टाइम पर मैं ये प्रो और यू का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूँगी नाउ, नेट सेट ठीक है सो ये था हमारे राइबोसोम्स के बारे में नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द सेल वॉल ऑफ प्लांट मेड ऑफ़ जो हमारा प्लांट का सेल वॉल होता है जैसे कि आप लोगों को पता है जो प्लांट्स होता है इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं सेल वॉल राइट और जो एनिमल सेल्स होता है उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही कवरिंग होती है डैट इज वॉट प्लाज्मा मैमब्रेन प्लाज्मा मैमब्रेन राइट नाउ जैसे कि हमने पढ़ा था अभी कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसका बना होता है हमारा प्रोटीन का कार्बोहाइड्रेट का फॉस्फोलिपिड का राइट बट जो हमारा ये सेल वॉल होता है ये हमारा किसका बना होता है सेल्यूलोज का ये किसका बना होता है हमारा सेल्यूलोज का राइट ओके एक चीज और जो सेलोज होता है डैट इज नॉट पॉसिबल टू डाइजेस्ट बाई अर सेल्फ ठीक है हम लोगों के द्वारा ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता है इसको कौन डाइजेस्ट कर पाता है एनिमल्स जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ वही सेलोरोस को डाइजेस्ट कर पाते हैं क्योंकि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है डैट इज़ वॉट क्वाइट क्वाइट डिफरेंट फ्राम अर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है उन एनिमल्स को हम र्यूमिनेटिंग र्यूमिनेट्स भी बोलते हैं इसको आप लोगों ने आई थिंक लोअर क्लासेस में आपने र्यूमिनेशन के बारे में पढ़ा होगा नाउ फिर नेक्स्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट क्या होता है हमारा ये हमारे जितने भी शुगर्स होते हैं जितना भी शुगर जितना भी हमारे स्टार्च होता है ये फाइबर्स होते हैं स्टार्च फाइबर जो कि कहाँ पाए जाते हैं हमारे फाइबर जो कि हमारे पाए जाते हैं फूड्स में हमारे ग्रीनस में एंड वेजिटेबल वेजीज में राइट right? तो so, ये कार्बोहाइड्रेट हमको इन सारी चीजों में मिलता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ फाइबर एंड इन द फॉर्म ऑफ शुगर नाउ लिपिड क्या होता है सो so, लिपिड इज अड्रोकार्बन राइट हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या होता है हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिल्क बना होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट की हम बात कर लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट हमारा किन चीजों से मिलकर बनाता है हो, बना होता है कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बट जो हमारा लिपिड होता है दैट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन राइट नाउ लिपिड क्या होता है ये हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट सॉल्यूबल होता है um, इसको हम अभी बाद में पढ़ेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है सो द नेक्स्ट वन इज लिपोप्रोटीन लिपो प्रोटीन इज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन प्लस फैट लिपोप्रोटीन क्या होता है हमारे प्रोटीन और फैट का कॉम्बिनेशन होता है डेट कैरी कोलेस्ट्रॉल थ्रू योर ब्लड स्ट्रीम टू योर सेल्स जो क्या कर रहा है आपका वो कोलेस्ट्रॉल को कैरी करता है थ्रू योर ब्लड स्ट्रीम टू योर सेल्स राइट द नेक्स्ट वन इज राइबोसोम्स आर फॉर्म ऑफ जब अभी हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था तभी हमने ये चीज जानी थी कि राइबोसोम्स हमारा किसका बना होता है आर एन एंड प्रोटीन का किससे बना होता है हमारा आर एन एंड प्रोटीन का ये हमारा सेल है एट दिस न्यूक्लियस न्यूक्लियस में आप ने, हमने पढ़ाता ना ये कुछ हमारे डबल मेम्ब्रेन होता है उसमें पोर्स बने होते हैं ये मैंने पूरा जस्ट सेकेंड ये हमारे क्या है पोर्स हैं राइट ये हमारे पोर्स हैं सो यहाँ से क्या होता है हमारा प्रोटीन अंदर आता है ये देखो ये हमारा क्या है डबल मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का और इसके अंदर हमारा डीएनए होता है डीएनए से क्या बनता है हमारा आरएन आरएनए का फॉर्मेशन होता है और बाहर से जो प्रोटीन आता है उसके साथ ये क्या होता है कंबाइन होके क्या बनाता है राइबोसोम बनाता है पढ़ा था हम लोगों ने Right? नहीं नहीं अभी क्लियर हो रहा है तो इससे पहला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था न्यूक्लियस का उसमें आप जाके समझ सकते हैं नाउ द नेक्स्ट विच इज द लार्जेस्ट बॉडी सेल हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल क्या है आरबीसी नो no. स्पर्म नो no. ऑस्टियोसाइट्स नो no. ये क्या होता है हमारा बोन सेल्स होते हैं सो so, बच्चा क्या हमारे पास न्यूरॉन न्यूरॉन क्या होता है हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल uh, होता है और जो न्यूरॉन्स होती है इसके थ्री पार्ट्स होते हैं द फर्स्ट वन इज सेल बॉडी द सेकेंड वन इज डेंड्राइट एंड द थर्ड वन इज वॉट एक्सॉन राइट लेट मी मेक अ ड्राइंग काइंड ऑफ इस तरह का होता है राइट right? ये हमारा क्या होता है डेंड्राइट्स हो गए सो so, ये जो हमारा सेल बॉडी होता है दिस इज व्हाट दिस इज ए डेंड्राइट एंड ये हमारा क्या होता है इस तरह से एक्सॉन होता है राइट दिस इज व्हाट एक्सॉन क्लियर नेक्स्ट इज विच सेल ऑर्गनलीज इज इन्वॉल्व इन अपटोसिस ऐसा कौन सा सेल ऑर्गनली है जो कि अपटोसिस में इन्वॉल्व होता है सो वी हैव इन ऑप्शन लाइजोजोम ई आर मीन्स एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम गोल्जिया अप्रिटिस एंड दिमाइटोकॉन्ड्रिया लाइजोजोम क्या करता है सेल को डाइजेस्ट करता है ये इट कंटेन्स इन्जाइम एंड डाइजेस्ट द सेल एंडोप्लाज्मिक ER रेटिकुलम जो कि क्या करता है प्रोटीन सॉरी प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है गलत हो गया प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन ठीक है प्रोड्यूस द प्रोटीन नेक्स्ट हमारा गोल्जी ये क्या करता है पैकेजिंग पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन राइट एंड द माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है ये हमारा एटीपी को प्रोड्यूस करता है सो so, कौन सा सेल ऑर्गनली है जो कि एपोप्टोसिस में हमारा हेल्प करता है या एपोप्टोसिस apopt करता है सो योर आंसर वुड बी माइटोकॉन्ड्रिया राइट इसे हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कहते हैं ये क्या होता है हमारा प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कहा जाता है सेल के डेथ को हम कहते हैं राइट नाउ नेक्स्ट है द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नोन एज जब हमने वैक्यूल वाला टॉपिक कवर किया था उस टाइम में ही मैंने पढ़ाया था जो हमारे वैक्यूल होता है उसके मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं ये कॉल इट टोनोप्लास्ट क्या बोलते हैं हम उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं एलियोप्लास्ट क्या काम करता है इट स्टोर द लिपिड फैटी एसिड्स राइट फैटी एसिड साइटोप्लास्ट इट मीन्स साइटोप्लाज्म हो गया अमाइलोप्लास्ट क्या होता है ये हमारे स्टार्च को स्टोर करने का काम करते हैं। सो so, हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा टोनोप्लास्ट ये हमारा आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है द टर्म गिवन बा टर्म सेल वाज़ गिवन बाय जो हमारा ये टर्म है सेल ये किसने दिया था हमें वी हैव द ऑप्शंस रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट हुक स्वान एंड द डी बेरी सो ब्राउन से मैंने बताया था जो रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की राइट रॉबर्ट हुक इन्होंने ये टर्म दिया था सेल स्वान huh? जो थे उन्होंने क्या किया था ही हैज गिवन द सेल थ्योरी जो कि एनिमल सेल पे स्टडी कर रहे थे इस एनिमल सेल पे स्टडी कर रहे थे जस्ट ओके सो ये हमारे एनिमल सेल पे स्टडी कर रहे थे एंड द लास्ट वन इज डी बैरी सो आंसर वुड बी अवर रॉबर्ट हुक राइट